नमस्ते आपका स्वागत है ढासू के एक नए एपिसोड में इस शो में हम स्टार्टअप फाउंडर्स ऑन्ट्रप्रनर्स से बात करते हैं उनकी कंपनियों के बारे में उनके आइडियाज के बारे में और आज एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है सबको जरूरी है सब्सक्राइब करने के लिए और वो है माइंड पियर्स मेरे साथ कनेका जी बैठी है आज हाय कनेका हाँ। तो हाँ। इस कंपनी की जरूरत क्या है आपने डियर जिंदगी देखी है उसमें शाहरुख खान जिनका रोल जग है वो क्या करते हैं इनकी कंपनी कुछ ऐसा ही करती है 2020 में कनिका अग्रवाल ने माइंड पियर्स की शुरुआत की कोशिश थी कि लोगों को साइकोलॉजिकल मदद मिल सके नियत ये थी कि ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस या जैसी समस्याओं से से पहले परेशान लोगों को सर्टिफाइड प्रोफेशनल हेल्प खोजने के लिए परेशान न होना पड़े कोरोना के उदासी भरे दौर में लोगों को मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस और बेहतर तरीके से समझ आई लोगों के भरोसे ने कंपनी को और बड़ा किया और जब शार्क टैंक में चार शार्क्स ने माइंड पियर्स में इन्वेस्ट किया तो दुनिया ने उसका नाम जाना 2020 में आपने माइंड प्योर्स शुरू किया पहले हाँ। तो हमें यह बताइए कि यह प्रोडक्ट क्या है कंपनी किस बारे में हमारे दर्शकों को अच्छे से समझाइए आई थिंक आपने जो इंट्रोडक्शन दिया माइंड पेयर्स का वो बहुत स्पॉट ऑन है कि जो शाहरुख खान जहाँ डियर जिंदगी में करते हैं हम भी कुछ वैसा ही करते हैं माइंड पेयर्स के प्रोडक्ट के दो पहलू हैं एक जहाँ हम थेरेपिस्ट प्रोवाइड करते हैं काउंसलर्स प्रोवाइड करते हैं ये आपको हो सकता है एंगजाइटी हो रही हो डिप्रेशन हो रहा हो ओवर थिंकिंग हो रही हो करियर के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आ रही हो तो होता क्या है हम अपने अंदर रखते हैं लेकिन इसका सही तरीका क्या है कि हम एक प्रोफेशनल से बात करें वन टू वन बात करें जिसको हम थेरेपी कहते हैं तो हम ये भी प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया और दूसरी चीज़ है एक साइंटिफिक थिंग जो माइंड पियर्स इंडिया में लाया है वो क्या है कि आज की डेट में अगर आपको जानना हो कि आपका शुगर लेवल कैसा है आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है तो आप क्या करोगे आप जाके टेस्ट करवाओगे ब्लड टेस्ट करवाओगे शुगर टेस्ट करवाओगे ये सब चीज़ें कराओगे अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपको जा, जानना है कि आपको एंजाइटी है कि नहीं है तो आप उसका कोई टेस्ट करवा सकते हो सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं लेकिन यहाँ का मेजरमेंट होना बड़ा डिफिकल्ट है हमारे को इस दुनिया में पता ही नहीं है कि यार यहाँ की भी साइंस है हम इधर की साइंस पे काम कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है पूरे दिन में आप जो भी कर रहे हो उसके आधार पर हम मेजर करते हैं कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ आपका मेंटल हेल्थ कौन से नंबर पर है और हम आपको वो पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं तो आज की डेट में अगर हमें पता है कि कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है अच्छा खाना नहीं खा रहा है रिलेशनशिप में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं और उससे वो बहुत डिस्टर्ब है तो हम बता पाएंगे क्योंकि मेंटल हेल्थ की स्थिति कहाँ पर है तो ये सब हम साइंस के थ्रू कर रहे हैं मैं कनिका से आज ही मिली हूँ बट ऐसा लग रहा है मेरे बारे में ये बात कर रही है तो मेरी <laughs> लाइफ के बारे में इतना कैसे पता है <laughs> इन्होंने जो कुछ कहा आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे क्योंकि ये हम सबके साथ होता है हमारी लाइफ में ऊंच नीच ऐसे होते रहते हैं इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे तो ओनरशिप पैटर्न कुछ ऐसा है हम दो राउंड फंड राउंड रेस कर चुके हैं इस वक्त मेरे पास अबाउट साठ परसेंट कंपनी है मेरे एक और को फाउंडर हैं जिनके पास अराउंड बीस परसेंट कंपनी है और उसके अलावा हमने पूरा बीस परसेंट जो बचा वो हमारा डाइल्यूटेड है विच इज़ हमारे इन्वेस्टर्स के पास है अपना पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल याद है ना तो अगर दस स्लाइस है पिज़्ज़ा में इनके छः हैं इनके साथ जो पार्टनर है फाउंडर है उनके दो हैं और आठ के बाद जो बाकी दो स्लाइस बचे वो सब में बट गया है जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया पैसे लगाए कंपनी में आज की रेट में हमारी वैल्यूएशन कुछ 80 करोड़ है नाइस nice. ओके okay. और आपने कितने से शुरुआत की थी जब आपने शुरुआत की थी तो देखो जब शुरू करते हो तो आप जीरो से ही शुरू करते हो वैल्यूएशन से इन्वेस्टर आता है और आपकी कंपनी को वैल्यू करता है तो अब इस दो राउंड के बाद हम 80 करोड़ की वैल्यूएशन पे हैं पहले साल में ही हां तो हमने शुरू किया 2020 अप्रैल में और फिर 2020 दिसंबर में हमने अपना राउंड पहला राउंड रेज करा It, मुझे आप बताइए दिस कॉमन इतनी जल्दी फंडिंग हो जाती है आजकल तो धीजा सब कुछ हो रहा है मतलब कंपनी रेवेन्यू बनाने से पहले भी कुछ okay. लोग रेस कर लेते हैं कुछ एक महीने में हमने कितने देखे हैं कि हमारे देश में यूनिकॉर्न्स बने हैं अभी जिन्होंने मतलब बस एक महीना शुरू ही हुआ है और उन्होंने रेस कर लिया है पर एक ये भी चीज़ देखने वाली है कि हमने बड़े हमें पता नहीं था बट हमने बड़े प्राइम टाइम पे शुरू किया जैसे कि लोग कहते हैं क्योंकि कोविड हो चुका था और कोविड की वजह से सब कुछ लॉकडाउन में जा चुका था और तब था जब लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हुआ जब फिज़िकल लिमिटेशन हुई तो हमें रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि माइंड कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि एकदम से बहुत ट्रैक्शन भी आनी शुरू हुई यार हम रोज में अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो इसका दिमाग का आपकी रोज की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है और हम लोगों की बस ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि जब भी आपको वो एनर्जी आपको वो कैसे मतलब इनक्रेजमेंट हाँ आपको वो एनर्जी नहीं फील हो रही है आपको वो मोटिवेशन नहीं फील हो रही है पर्पस नहीं फील हो रहा है और कुछ इम्पैक्ट कर रहा है ज़िंदगी में आप दुखी भी फील कर सकते हो आपको रिलेशनशिप्स में भी इशू हो सकता है कई बार तो आजकल लोगों को वर्क प्लेस में होता है कि बॉस के साथ अच्छे से नहीं बन रही है क्या करूँ उसमें कैसे उस चीज़ को नेविगेट करूँ और लोग बहुत परेशान होना शुरू हो जाते हैं लोग बहुत स्ट्रेस होना शुरू हो जाते हैं हम इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे काम कर रहे हैं आइडिया ये है कि लोगों को लगता है कि हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ना पागलपन क्रेज़ी क्रेजी हो तभी मेंटल हेल्थ में थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो क्रेजी हो इसलिए जा रहे हो ये ऐसा नहीं होता है राइट आपको अगर एक छोटी सी दिक्कत प्रॉब्लम अगर बहुत इम्पैक्ट कर रही है रोज़ आप उसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं आप पागल हो इसका मतलब ये है कि आपको इस बारे में किसी से बात करनी है उसका एक सल्यूशन जानना है जिससे कि आप लाइफ में और अच्छा कर सको तो हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं कि कुछ भी इशू है कोई भी प्रॉब्लम है बात करो अपने दिमाग को मज़बूत बनाओ और फिर ज़िंदगी में और आगे बढ़ो अच्छी ज़िंदगी जी पाओ हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को मनी फिजिकल हेल्थ ये सब से कर रहे हैं पर मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर आ, इन्होंने जो कहा मुझे बहुत 100% परसेंट रेजोनेट किया है क्योंकि मैं भी लोगों को बहुत कहती रहती हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको ज़रूर थेरेपी लेनी चाहिए इसीलिए नहीं क्योंकि आप में कोई गलती है या आपके साथ कुछ कुछ खराबी है या जैसे इन्होंने कहा कि लोग कहेंगे ओ पागल हो ऐसे नहीं है अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि कोई चीज़ एकदम बदतर हो जाए तब आप उसे सुलझाने की कोशिश करोगे कि रोज़ चलते वक्त जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ अगर एक स्टिच खुल जाता है तो आप वेट करोगे कि पूरा स्टिच खुल जाए पूरी तरह फट जाए तब आप सिलोगे कि जब एक ही स्टिच या एक ही बटन निकल गया तो आप तब के तब उसे फिक्स करोगे मुझे ये लगता है कि थेरेपी करने से आप अपने आप को बेहतर जान पाते हो और फिर आप अपनी लाइफ में हर लाइफ के रिश्ते में काम पर हर जगह आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हो तो कैसे रिएक्ट करें कैसे हैंडल और मैनेज करें वो आप बेहतर कर सकते हो मैं इसको तीन चीज़ों में समझाना चाहूंगी पहली चीज़ ये है कि बहुत लोग अब जा रहे हैं हेल्प के लिए लेकिन पता क्या हो रहा है ग्राफ ऐसे जा रहा है लोग ज़्यादा तो जा रहे हैं हेल्प के लिए लेकिन मेंटल हेल्थ और ख़राब हो रही है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि थेरेपिस्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है कि हम क्वालिटी पे बहुत फोकस करते हैं थेरेपिस्ट ढूंढना मेरे लिए सही थेरेपिस्ट कौन है और अगर वो सही है तो क्या वो मुझे अच्छे से यू नो हेल्प करेगा कि नहीं करेगा तो हमने साइंस के द्वारा मैनुअल इंटरवेंशन ये सब चीज़ों के द्वारा अपनी क्वालिटी पे बहुत फोकस करा है दूसरी चीज़ है आपने मेंशन करा कि अगर अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो हम इंडिया में आज की डेट में नोन है क्योंकि हमारे यहाँ थेरेपी सिर्फ पाँच सौ की मिलती है तो आप पूरा एक जो सेशन है अच्छे से अच्छे थेरेपिस्ट के साथ सिर्फ पाँच सौ में अपना वो साठ मिनट का सेशन कर सकते हो और तीसरी जो हमारी खास बात है जो कि आगे आने वाली चीज़ के में है जो मैंने आपको बताया हम जो मेज़र कर रहे हैं कि आपका मेंटल हेल्थ कहाँ पर है और ये कोई आसान तरीके से हम मेज़र नहीं कर रहे हैं आपके पास अगर गूगल फिट है ऐप्पल हेल्थ है तो आप अपने वेरिएबल को आज की डेट में हमारे ऐप से जोड़ सकते हो आप जो खाना खा रहे हो आप उसको जोड़ सकते हो आप अपने शुगर लेवल्स को जोड़ सकते हो आप हर चीज़ से जोड़कर हमारे ऐप पे आकर गेम्स और ये सब कुछ खेलकर हम आपको बताते हैं कि आपकी मेजरमेंट मेंटल हेल्थ की कहाँ पर है हम जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ आप कहते हो कि मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ मुझसे काम नहीं हो रहा है मेरा टेंशन बहुत कम हो गया है क्या आपको पता है आपका टेंशन लेवल अभी क्या है क्या चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं हमारा ऐप आप आपको वो सब चीज़ें बताता है कि आपका टेंशन लेवल फोकस लेवल एंजाइटी लेवल ये कहाँ पर है और आपको क्या करना है इसको ठीक करने फिर आपने ये भी कहा कि मेंटल हेल्थ आप अफोर्डेबल बना रहे हो पाँच सौ रुपए बट ऐसे बहुत लोग हैं जिनके लिए पाँच सौ रुपए बहुत ज्यादा है मुझे भी लगता है ज्यादा है क्योंकि थेरेपी एक सेशन से तो आप कर नहीं कर सकते, नहीं सकते पहले सेशन में क्या होगा आप थेरेपिस्ट से मिलोगे उस इंसान से मिलोगे आप एक दूसरे को जज करोगे कि क्या ये मेरे लिए ठीक है क्या ये मेरी मदद कर पाएंगे और आप अपना जब तक बताते हो कि क्या हुआ आपके साथ क्या बीती है या हिस्ट्री है वो सेशन एक घंटे का ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा फिर आपको दो तीन और सेशंस लगेंगे जब तक आप कोई ब्रेक थ्रू कर पाए जब तक आप कुछ समझ पाए कि हो क्या रहा है आपके साथ तो काफी लंबा प्रोसेस है और फिर वो महंगा हो जाता है मैंने ये भी देखा है बहुत लोगों के साथ घर में आप सेशन ले नहीं सकते आस हाँ। आसपास अगर घर दो वाले दो हो हाँ। अगर वो सुनते हो तो फिर आप क्या बोलोगे क्योंकि हम मोस्ट माँ बाप कैसे रिएक्ट करते कि ये सब कुछ नहीं है हमारे वक्त ये सब कुछ नहीं रहा फोन साइड पर रखो तुम सब ठीक हो जाएगा ये फोन के कारण सब हो रहा है ठीक से खाओ वक्त से सो जाओ तो ये सब ठीक हो जाएगा वो हाँ। समझते ही नहीं है ना स्पेशली अगर आपकी कम उम्र हो तो बोलेंगे साल के हो तुम इस हाँ। एज में तुम्हें क्या ही स्ट्रेस है। है। <laughs> तो फिर जब लोग घर पे आसपास ऐसे नहीं कर पाते ऑनलाइन भी अगर नहीं ले पाते तो <laughs> उसके कोई सोल्यूशन है हाँ तो हमारे पास चैट है काफी लोग चैट का ऑप्शन लेते हैं जिसमें वो लिखकर थेरेपिस्ट से बात करते हैं तो एक घंटा आपके चैट से चलता है फ़ोन पे चलता है वीडियो पे चलता है और हमारे पास ऑफलाइन तो हमने चारों चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करी हैं जिससे कि इंसान प्राइवेट सेफली सिक्योरली जो है थेरेपी ले सकें मैं एक बात और बोलना चाहूँगा जैसे आपने कहा कि 500 भी कई बार एक्सपेंसिव हो जाता है उसी के लिए हम लोगों ने पैकेजेस निकाले हैं तो अगर कोई पैकेज लेता है क्योंकि आप सही कह रहे हो लोगों को लगता है यार एक सेशन में सब कुछ ठीक हो जाएगा पर मेंटल हेल्थ की बात यह है कि आपको कम से कम सेशन लेने पड़ते हैं क्योंकि आपको, उस को भी तो आपको समझने के लिए मतलब ऐसे नहीं होता है और अगर आपको ये सोच के लग रहा है कि, ओ, नौ mm -hmm. सेशन, जब आप इतना लो फील कर रहे हो बट वक्त लगता है ना अपने आप पर आप काम कर रहे हो तो वो एक जर्नी है ऐसे नहीं कि आप एक स्टेज पर पहुंच जाते हो वो हर वक्त वर्क इन प्रोग्रेस ही होता है इतने सालों अगर आप कर भी लो ना वो फिर भी वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेगा क्योंकि यू डिस्कवर थिंग्स अबाउट योर अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओ आप कहीं पे भी जाओ तो लोग आजकल दिखाते हैं कि यार सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसको कोई दिक्कत हो रही है या जिसको हेल्प चाहिए कितने लोग हैं दीपिका पाडुकोन इन सब ने मैं बोलने वाली थी दीपिका का नाम क्योंकि उन्होंने तो पब्लिकली इंटरव्यूज में कहा है कि उन्हें डिप्रेशन था Correct. उन्होंने थेरेपी सीखी उन्होंने अपनी फिर कंपनी भी शुरू की है और लिव लाफ लव फाउंडेशन के नाम से और वो लोगों को और कहती रहती है कि प्लीज आप जाएँ बात करें।, करें ये भी बताइए मुझे माँ बाप या फैमिली जिनको हेल्प की तो उनको अगर कोई है तरकीब समझाने के लिए कुछ तो बस यही है तो अभी भी अपनी मम्मा को बोलती रहती हूँ मुझे पता है कि उनको जरूरत है और जरूरत इसलिए क्योंकि अब वो थोड़ी रिटायर हो रही है एक्सेप्ट करना कि मेरी रिटायरमेंट आ रही है मैं एक सीनियर सिटीज़न बनने वाली हूँ वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है लोनलीनेस होती है मैं खुद ही अभी उनको समझा रही हूँ लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊँगी जो आजकल काफ़ी वो हो रहा है सपोर्ट ग्रुप्स राइट ज़रूरी नहीं है कि आप शुरुआत में ये बोलिए कि अरे वन टू वन चलते हैं सपोर्ट ग्रुप क्यों हेल्प करता है आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जहां आपको एहसास होता है कि सिर्फ मैं या मेरे पेरेंट्स नहीं है जिनको ज़रूरत है जब आपके पेरेंट्स देखते हैं अरे यार इनको भी ही सेम दिक्कत है इन, उनको भी है तो जब वो सोचते हो आप तो हम कहते हैं ना यू आर नॉट अलोन इन दिस वो आपको एक सहमति देता है वो आपको फील करवाते हैं कि हाँ यार मैं नहीं हूँ और आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं आजकल ये बहुत फेमस हो रहे हैं आप अपने अगर आप अपने पेरेंट्स को ले जाना चाहते हो तो उनको उन सपोर्ट ग्रुप्स में ले जाओ हम भी रन करते हैं और वहाँ पे उनको लोगों से बातचीत करने दो उसी में उनको इतना सीखने को मिलता है और थोड़ी बहुत कन्विक्शन मिल जाती है कि हमें इस, इस चीज़ को लेना चाहिए थेरेपी को कंसिडर करना चाहिए हाँ ये थोड़ा और कैजुअल फॉर्मेट है exactly. और बातचीत है तो और आसान, आसान हो जाता है।, है और ये भी समझना जरूरी है कि अगर अगर आप आप मदद मांग fact, आप मदद मांग मांग रहे रहे हो हो इट इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस इनफैक्ट तो ये एक अच्छी चीज है इट्स अ अट्रॉन्ग एंड अ ब्रेव थिंग टू डू आप शार्क टैंक पर भी गए मुझे वो जर्नी बताइए और शार्क टैंक के बाद लाइफ कैसे बदली वो बताइए शार्क टैंक का जर्नी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था बहुत सरप्राइजिंग था हमें लगा नहीं था कि हम ऑडिशन के बाद एक और राउंड एक और राउंड और फिर शार्क तक पहुंच जाएंगे आपने अप्लाई किया था कि कैसे आ, होता है? हाँ हम लोगों ने अप्लाई किया था इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन होती है आ, कुछ तीन से चार राउंड होते हैं आप एक फॉर्म भरते हो फिर आप एक वीडियो भेजते हो आ, उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो फिर आप ऑडिशन पर जाते हो फिर ऑडिशन के बाद भी दो राउंड होते हैं ऐसा कर कर पूरा जर्नी होता है और यहाँ तक कि ये भी सस्पेंस होता है कि अगर आप बॉम्बे पहुँच गए हो सेट पर पहुंच गए हो आपकी शूट हो गई है उसके बाद भी आपको ये पक्का नहीं पता होता कि आपका टेलीकास्ट होगा कि नहीं होगा तो बड़ा सस्पेंस क्रिएट होके चीज़ें होती हैं पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जर्नी बहुत ही अच्छी थी शार्क्स को बताना कि आप इस स्पेस में कुछ कर रहे हो हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि पहली बार नेशनल टेलीविजन पर आ, सोनी जैसे चैनल पे आप कह लीजिए मेंटल हेल्थ के बारे में बात हुई तो हमें सबसे पहले लगा कि वो बहुत बड़ी चीज़ थी उसके बाद की जर्नी हमारी मतलब मेरी पर्सनली और माइंड पर्स की बहुत अच्छी रही हमारी डील कंप्लीट हुई क्योंकि आजकल काफ़ी चल रहा था कि डील्स का क्या होता है तो मैं प... पैसे मिलते वाकई हमें मिले मैं बाकीयों का कुछ नहीं बोल सकती पर हमें मिले हमारे पास चार शार्क आए थे जिन्होंने हमें कमिट किया था और इनफैक्ट हमें ज़्यादा मिले तो जो कमिटमेंट हुई थी आ, उसके बाद हमारी कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म करा कि एक शाख ने बोला कि यार मैं ये नहीं मैं इससे और ज़्यादा करना चाहूँगा उसी वैल्यूएशन पे तो हमारे साथ पीयूष अमन नमिता और विनीता ये चारों हमारे साथ जुड़े हैं और हमें हमारी पूरी डील जो है कंप्लीट हुई है और अब ऐसा होता है कि आपसे बात करने से पहले मैं आज सुबह उठी और पीयूष का मुझे मैसेज आया कहने का हमें जापान में माइंड प्यर्स एक्सपैंड करना है क्योंकि बहुत जरूरत है ये इतनी मदद करते हैं आप एक बार जब ये जान जाते हैं सब कुछ हो जाता है कि आपको इनकी इतनी मैंटोरशिप मिलती है इतनी एडवाइस मिलती है मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं सच में बोल रही हूँ कि ये लोग कॉल्स पर होते हैं आपके साथ आपको बता रहे होते हैं तो पैसे से ज्यादा मुझे और सपोर्ट मिल रहा है कि कंपनी को और आगे कैसे ग्रो करूँ उनके तजुर्बे से आपको उनके तजुर्बे से कैसे क्या करना चाहिए नमिता ने हमारे साथ अभी कैंपेन करा है जहाँ पे नमिता ने अपनी जर्नी शेयर करिए तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं पर कहने का इसका कोई डाउन साइड भी होगा ना जैसे आपका एक विजन है अपनी कंपनी के लिए आपकी कंपनी है ये और और जब और लोग ऐसे जुड़ जाते हैं तो उनका अलग विजन होगा करेक्ट तो ऐसे क्लैश कभी होता है जब आप अग्री नहीं करते हाँ क्लैश बहुत बार होता है बट इसमें आपने आप क्या कर रहे हो राइट आप फाउंडर हो अब देखो इन शार्ख्स का मैं आपको बताती हूँ सबसे अच्छी क्या बात है और मैं इसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ ये चारों शार्ख्स खुद में फाउंडर्स हैं तो तो ये तो इन्वेस्टर समझते हैं कि हमें फाउंडर फा। को कंपनी रन करने देनी चाहिए जैसे इनको करनी है पर मैं आपको बताती हूँ जनरली जब आप इन्वेस्टर पैसे रन करते हो आपको बहुत ओपिनियन आएंगे तो... आपको बहुत एडवाइस आप कंफ्यूज आपको तो इतनी बार कंफ्यूजन भी होगा कर रही हूँ सही कर भी रही हूँ कि नहीं कर रही लिए क्या बेहतर है लेकिन तभी तो बोलते हैं फाउंडर्स की लाइफ डिफिकल्ट है आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड अभी भी मैं बोलना नहीं चाहूँगी पर कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनको लगता है कि कितनी ज़िद्दी लड़की है ये पर मुझे लगता है कि अगर हमने कुछ शुरू करा है एक विजन के साथ करा है हमें उस उसको उस दिशा में ले जाना ही है स्ट्रॉन्ग हेडेड होना थिक स्किन होना फाउंडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिव लिसनिंग कहते हैं ना कि बोलेंगे सब रजिस्टर वही करो जो तुमको लगता है अलाइन सुनो सबकी करो अपने मन की।, मन की, मैं जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं जिद्दी है पहली लड़की होना हाँ। और कुछ करना <laughs> लोगों को कहानी है अपने में है <laughs> ना अपनी हाँ। इसीलिए तो मैं और भी कोशिश करती रहती हूँ कि और विमेन फाउंडर्स आए ढांसू पर और बात करें हमसे क्योंकि जो नॉर्मल स्ट्रगल्स है इनकी थोड़ी और बढ़ के होती है तो खैर अच्छा लगा ये सुन के कि शार्क टैंक का इतना ऐसे इम्पैक्ट पड़ा अभी आपकी कंपनी है मेंटल हेल्थ के बारे में तो कंपनी में मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स क्या रखे हैं आपने अपने सारे एम्प्लॉय हमारे के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए थेरेपी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में अवेलेबल होती है तो वो लोग जितनी थेरेपीज चाहें ले सकते हैं ये हमने पहले बेनिफिट दिया है हम हाइब्रिड हैं और हाइब्रिड का मतलब है कि हमने ऐसा भी नहीं करा रहे। आपको आना ही है आना ऑफिस अगर आप नहीं आना चाहते आप मत आइए हम बहुत ऑफ साइट्स करते हैं हम हमने कल्चरली चीज़ों को बहुत ओपन रखा है मतलब आप मेरे एम्प्लॉज से बात करेंगे तो आपको लगेगा वो को फाउंडर है कहने का, का नहीं है हम बहुत फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रहे हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे जैसे आप मतलब यू you नो know, आप मेंटेन कर सकते हो एक कल्चरली uh, अच्छी कंपनी और हम एक और चीज देते हैं हम हर महीने एक बर्नआउट लीव देते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि हमें बर्नआउट फील हो रहा है तो आप वो एक लीव अपनी यूज कर सकते हो किसी भी चीज के लिए इट्स लाइक अ वेलनेस बेनिफिट सोकर उठे आज और आज लगा नहीं यार आज काम नहीं होगा प्रोडक्टिव नहीं होंगे छुट्टी लेनी चाहिए होता है ना कभी सुबह उठ के लगता है कि मन नहीं है हाँ. और फिर आप आपने आपको ऐसे खींच के काम तक <laughs> लेकर जाते हो ये बर्नआउट वाली जो फीलिंग है बर्न आउट लास्ट स्टेज है बर्नआउट के पहले बहुत साइंस होते हैं प्लीज उसे रिकोगनाइज करके तब एक्शन लीजिए बर्नआउट होने के बाद नहीं <laughs> अच्छा और जब आपने तो कह, कह दिया कि आप थेरेपी में हो बट आप अगर वर्क में बर्नआउट फील करते हो या ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे डील करते हो मैं आपको सच बताना चाहती हूँ हाँ सच ही बताइए कुछ नहीं बिल्कुल मतलब क्योंकि मुझे लगता है फाउंडर्स आके बहुत अच्छी पिक्चर पेंट करते हैं मैं नहीं करना चाहती मैं बताना चाहती जैसे आज मैं आपके पास आई मैं रात भर ढंग से सो नहीं पाई मुझे मैं बहुत एंशियस थी क्योंकि काम में बहुत चीज़ें चल रही हैं और आपने कि जैसे बोला कि बर्नआउट लास्ट स्टेज है मैं शायद उस स्टेज पे पहुँच गई हूँ क्योंकि दो तीन महीने से मैंने अपने आप को ढंग से ब्रेक नहीं दिया है ठीक है कई बार होता है हम फाउंडर लाइफ में भूल जाते हैं मैं एक चीज़ है जो मैंने अपने लिए करी है वो है कि मैं हिमाचल में शिफ्ट हो गई हूँ मैंने हिमाचल में घर लिया है Uh, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है मैं बहुत प्रोडक्टिव हो पाती हूँ पर जैसे ही जब मैं सिटी वापस आती हूँ जो कि मुझे आना पड़ता है मीटिंग्स लगने के लिए मेरे को ऐसा लगता है उफ कितनी फास्ट पेस लाइफ शुरू हो गई है पर क्योंकि आपने पूछा मैं अपने लिए क्या करती हूँ मैं हिमाचल में अपने डॉग के साथ रहती हूँ अपने पार्टनर के साथ रहती हूँ और हम बड़े सुकून से दो तीन हफ़्ते निकालते हैं मैं काम करती रहती हूँ पर शाम को उस टाइम पर मैं सात बजे काम बंद कर देती हूँ ये मेरा एक रूल रहता है दूसरी चीज़ें मैं अपने आपको बुक्स में बहुत डुबोती हूँ बुक्स मेरा इतना अच्छा कंपेनियन है कि अगर मुझे कभी लगे मुझे लोनली फील हो रहा है मैं बुक उठा लेती रू और मुझे इतना अच्छा लगता है बुक्स पढ़कर फिक्शन नॉन फिक्शन लोगों की कहानियाँ मैं हिस्ट्री के बारे में बहुत पढ़ती हूँ बुक्स मेरा एक सेवियर है मैं कहूँगी ओके okay, तो देखिए आप और हम हिमाचल में घर नहीं रह सकते हमें तो पार्टनर भी नहीं मिल रहा वो अलग कहानी है बट आप क्या कर सकते हो जैसे इन्होंने कहा बुक्स है दोस्तों से कनेक्ट कर पाना अपने पेट अगर आपके पास हो उनके साथ कनेक्ट कर पाना म्यूजिक मेरे लिए म्यूजिक एक बहुत बड़ी चीज है तो आप ढूंढे कि अपनी लाइफ में अपने दिन में आप क्या ऐसे कुछ निकाल सकते हो अपने लिए वक्त जिसमें आप फिर आप थोड़ा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट या नॉर्मलाइज कर सको चीजें आपने अपनी बारे में बात की एज एन इंडिविजुअल जो अभी थेरेपी नहीं ले सकते इमीडिएटली वो ऐसा क्या कर सकते हैं आसान अपनी लाइफ में सरल ऐसे तरीके से कि जो कुछ हो रहा है उससे थोड़ा और बेहतर डील कर सके सेल्फ रेगुलेट कर जैसे कि आपने बोला मैं बोलूँगी कि एक हफ्ते में एक दिन निकालिए उस एक दिन में से आधा दिन निकालिए बैठिए अपने थॉट्स के साथ कि भाई क्या है जो मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, क्यों मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है उसको लिखिए हमारे देश में जर्नलिंग जिसको हम कहते हैं लिखने को इतना अंडर एस्टिमेट करा हुआ है हमने सब कुछ यही चलता रहता है और वो ऐसे 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 चल रहा है थॉट आ रहे हैं नेगेटिव सोच रहे हैं सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है वो सोच रहे हैं कभी लिख कर देखिए रोज लिख कर देखिए जो सब कुछ यहाँ है ना उसको खाली, खाली, खाली के कर दीजिए खाली कर दीजिए हाँ। क्योंकि ये प्रेशर कुकर की तरह है इसको कभी खाली भी तो करोगे भरता रहेगा तो मतलब वो फील होता है तो मैं सबसे आसान चीज़ है इवन थेरेपिस्ट के पास जाने से पहले मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ जर्नल करो लिख कर देखो उसको पेपर पे देखोगे विजुअलाइज कर पाओगे कि जिंदगी गलत कहाँ जा रही है मैं कहाँ खुश नहीं फील कर पा रहा हूँ प्लान करिए और प्लान के बाद थोड़ा सा एग्जीक्यूट करिए मैं दूसरी चीज़ और बोलना चाहूँगी इस जन मतलब यू नो हम जनजीज में बहुत देख रहे हैं कि बड़ी इश्यूज आ रहे हैं डिस्ट्रैक्शन हो रही है प्रेशर फील हो रहा है बहुत चीज़ें हैं मैं सिर्फ लोगों को इतना कहना चाहूँगी जो रेस है वो रेस खुद से है हम सोशल मीडिया पे पीयर प्रेशर इतने पैसे कमाने हैं फेसबुक पे काम करना है खुद का स्टार्टअप शुरू करना है आजकल लोगों को लगता है स्टार्टअप फाउंडर्स हमें बनना अगर नहीं बने तो क्या होगा ज़िंदगी में आ, मैं कहूँगी थोड़ा स्लो पेस में चीज़ें लो आइडिया है ज़िंदगी को लव करने का आज अब मैं तीस से थोड़ी ऊपर हो चुकी हूँ और मुझे ये लगता है कि मैंने अपने पूरी बीस की जो ज़िंदगी है भागते भागते चीज़ों के पीछे एंड सक्सेस एक चीज़ होती है पर आपको लगता है कि यार पूरी बीस ऐसे ही निकाल दिया तो मैं कहना चाहूँगी लाइक यू सेट पैशंस जो कि काम से अलग हों

तो जब आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो और आपको ऑथेंटिक क्योंकि आज तो फिर कोई भी वेलनेस एक्सपर्ट हो जाता है इंटरनेट पर देखा है Correct. तो ऑथेंटिक ट्रेन प्रोफेशनल्स वो आप चैलेंज कैसे सॉल्व करते हो तो मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया कि वही ये क्वालिटी से सब कुछ जुड़ा हुआ है तो मैं दो तीन चीजें इसमें बताना चाहती हूँ पहला जब आप थेरेपिस्ट ढूंढने के लिए निकल रहे हैं प्लीज देखिए उनका सर्टिफिकेशन क्या है ठीक है काउंसलिंग है तो वो किस चीज़ में स्पेशलाइज़ करते हैं मुझे एंग्जाइटी हो रही है लेकिन मैं चली गई डिप्रेशन के स्पेशलिस्ट के पास नहीं चलेगा मुझे एंग्जाइटी हो रही है वो एंग्जाइटी स्पेशलिस्ट हैं पर उनसे पूछिए कि आप एंग्जाइटी स्पेशलिस्ट किस चीज़ में है आप रिलेशनशिप एंग्जाइटी में हेल्प करते हैं सोशल एंग्जाइटी में हेल्प करते हैं करियर एंग्जाइटी में हेल्प करते हैं उनको पूरा बताइए सेशन शुरू होने से पहले हम लोग कई बार करते हैं कि बस बुक कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे यार बुक भी कर दिया पैसे भी लग गए हेल्प भी नहीं हुई तो ये सब चीजें हमें पहले करनी चाहिए दूसरा है एक होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं हु आर अलाउड टू टेक टेस्ट तो आज की डेट में अगर आपको एंग्जाइटी है और मुझे ये जानना है कि आपको क्लिनिकल एंग्जाइटी है कि नहीं है वो सिर्फ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते हैं तो जब आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं उनसे पूछिए उनका आरसीआई लाइसेंस उनके पास है कि नहीं है आर सी आई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उससे आपको उनकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है ये तो मैं आपको जनरल बता रही हूँ हम कैसे करते हैं हमने ये सारी चीज़ों का सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशंस उनकी स्पेशलाइजेशन कैसी है हमने अपने प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों का जांच ऑलरेडी किया हुआ है और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है आज की डेट पर अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आओगे हम आपसे पाँच क्वेश्चंस पूछते हैं आपको पूरा समझते हैं और उस हिसाब से हम आपको सिर्फ दो लोग बताते हैं जो आपके लिए रेकमेंडेड है और वो पता है आज की डेट में 95 परसेंट एक्यूरेसी के साथ चल रहा है इसका क्या मतलब है अगर 100 लोग आए तो उनमें से 95 लोगों को पहली बारी में हमने सही थेरेपिस्ट बताया जिनके साथ दे हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ आखिरी सवाल है मेरा जाने से पहले हम ये हर एपिसोड में करते हैं कि आप कोई स्टार्टअप टर्म हमें सिखाते जाइए तो मैं समझाना चाहती हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम कहते हैं रिटेंशन कोहर्ट्स होता क्या है हमसे कोई इन्वेस्टर आके जब पूछेगा कि मैंने एक कस्टमर को अक्वायर करने में मैंने एडवर्टीजमेंट रन करा उस मेरे को सौ रुपए लगे टू मेक दैट पर्सन माई कस्टमर ठीक है अब अगर मैं उसी कस्टमर को अक्वायर करने के लिए हर महीने सौ रुपए कर रही हूं तो वो, जाएगी हाँ वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है तो अगर वो सौ रुपए में मैं एक बार लाई और फिर मान के चलिए वो दूसरे महीने तीसरे महीने चौथे महीने पाँचवें महीने मेरे साथ लगा हुआ है तो उसको हमने क्या बोला रिटेंशन मैंने अपने कस्टमर को रिटेन कर लिया आज की डेट में सक्सेसफुल बिजनेसिस में हम क्या देखते हैं कि कितने महीने तक वो कस्टमर रिटेन हो पा रहा है तो मान के चलिए अगर आपका छः महीने तक रिटेंशन कोहर्ट कुछ अस्सी परसेंट है इसका क्या मतलब हुआ कि सौ लोग पहले महीने में आए बट अस्सी लोग छठे महीने तक आपने अस्सी लोगों को रिटेन करके रखा वो बहुत ही अच्छा माना जाता है इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा सही, सही कर रहे हैं कि 80 परसेंट लोग वापस आ रहे हैं बार बार आपके पास ब्यूटफुल कितना अच्छा टर्म है ये जो हमें सीखने को मिला आज और इनसे बातचीत करके मुझे अच्छा लगा आई होप आप तक और, और लोगों तक मेरी ये बात पहुँची है कि कितना ज़रूरी होता है अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना प्लीज़ और लोगों के साथ आप शेयर भी करें और हमेशा याद रखिए कि आप अकेले नहीं हो और लोग हैं बाहर जो सेम चीज़ से जूझ रहे होते हैं आप प्लीज़ हेल्प के लिए मांगिए किसी से भी मैं नहीं कह रही कि आप माइंड प्लेस पर आके बट एटलीस्ट आप मुंह खोल के बोलिए तो कि आपको हेल्प की ज़रूरत है।, <laughs> है और आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस इनफैक्ट इट्स अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू आपको अगर ढास्ू पर आना हो किसी को फीचर करवाना हो कोई स्टार्टअप कंपनी हो जो आपको लगता है हमें उनसे बात करनी चाहिए ये ईमेल आईडी पे आप हमें ज़रूर लिखें और कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा धन्यवाद